गाइस, दिस इज प्रोफेसर कार्तिकी वाचिंग इन माय YouTube चैनल। आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 20 देखने जा रहे हैं, जो है कि हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल। तो इस एपिसोड से अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंडक्शन चैप्टर, ठीक है। तो अभी एपिसोड नंबर 22 में ये पहली थियरी हम देखेंगे कंडक्शन के अंदर, हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल। यहाँ पे बच्चों एक प्लेन वॉल दिया गया है, ठीक है, सिंपली एक स्लैब रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। मान लो कि इसको हम इस तरीके से समझते, ये है रहा प्लेन वॉल आपका, इसकी ये प्लेन वॉल है, इसकी लेंथ है वो एल है, एक साइड का टेम्परेचर T1 है, दूसरी साइड का टेम्परेचर है वो T2 है, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, ये रहा प्लेन वॉल, इसका लेंथ एल है, एक साइड का टेम्परेचर T1, एक साइड का टेम्परेचर T2, तो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर यहां से होने वाली इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने वो एक स्ट्रिप ली है जिसकी थिकनेस है dx और जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है dT, ठीक है। इसको बोलूंगा साइड नंबर 1, इसको बोलूंगा साइड नंबर 2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, हीट ट्रांसफर हो रहा है कुछ इस तरीके से। अब बच्चों हमने ये इक्वेशन है वो पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा हुआ है, हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एपिसोड नंबर 19 पे जाके ये चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर स्टेडी वन डायमेंशनल एंड नो IHG का मतलब होता है नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, स्टेडी यानी कैसा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, यानी ये सामने वाला टर्म आ जाएगा जीरो। अब है 1D, यानी x एक वाला ही टर्म लेना है, x वाला ही, तो ये हो जाएगा ओनली डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। एन लेना है नो IHG, यानी QG, ये QG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, नो इंटरनल हीट जनरेशन, यानी ये आ जाएगा डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये टेम्परेचर है सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं डेल की जगह आप यहाँ पे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टी का कुछ इक्वेशन चाहिए, तो अगर ये डी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और टी का कुछ इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो बार है, तो डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन दो बार है, तो इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरा इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन दो बार करेंगे, तो एक बार करो तो एक डिफरेंशिएशन चला जाएगा, यानी d2dx2 का हो जाएगा dt dx, ठीक है। और ये जीरो का हो जाएगा c1, हम जानते हैं कि जीरो का इंटीग्रेशन होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसका फर्दर करो, तो इसका अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे तो dt/dx का हो जाएगा t, c1 का हो जाएगा, c1 कांस्टेंट निकलेगा और यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 का हो जाएगा x, यानी c1x + c यानी c2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, तो हमारे पास टेम्परेचर का कुछ ऐसा इक्वेशन मिला है c1x + c2। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बस दो अननोन है c1 एंड c2। अब दो अननोन है, उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए होगी, तो हमें दो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूं, दूसरे छोर पर आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, तो एट x इक्वल टू l टेम्परेचर T = T2। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये पूरा टर्म निकल गया, और t की जगह पे क्या रखना है T1, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2, ठीक है। तो क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू C2। कैसे आया, पहली बाउंड्री कंडीशन इसमें रखी, इसलिए T1 इज इक्वल टू C2 आया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू l T = T2, तो यहाँ पे t की जगह पे T2 रखे, x की जगह पे यानी T2 इज इक्वल टू C1L + C2, पर C2 की जगह पे तो हम क्या लाए T1, तो C2 की जगह पे यहाँ पे T1 रख दो। अब क्या चाहिए, C1 को सब्जेक्ट बनाओ, तो C1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये T1 इस साइड आ जाएगा, T2 - T1 / l रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास C1 की भी वैल्यू है, C2 की भी वैल्यू है, तो मेन इक्वेशन में डाल दो। तो ये C1 की वैल्यू रखी यहाँ पे और C2 की वैल्यू लिखी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dt/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला टर्म कॉन्स्टेंट रहेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x आंसर हो जाएगा 1, और ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये 0, सिर्फ बचेगा t2 - t1 / l। तो ये क्या मिल गया dt/dx। हम बच्चों हम जानते हैं फूरियर का हमारे पास इक्वेशन क्या है, फूरियर लॉ, एज पर द फूरियर लॉ हमारे पास इक्वेशन है q = -k dt/dx, तो माइनस के इज इट रखे dt/dx का आंसर ढूंढा, क्यू dt/dx का पता चला क्योंकि हमें ट्रांसफर ढूंढना था, दैट्स व्हाई। सो अब यहां पे dt/dx की वैल्यू यहां पे रख दे, ये हो जाएगा t2 - t1 / l। अब ये माइनस है, इसको इस यहां इस ब्रैकेट के अंदर डाल दे तो ये टर्म रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा k t1 - t2 / l। तो ये होता है बच्चों हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल के लिए, आप ये इक्वेशन ले सकते हैं k टेम्परेचर डिफरेंस / लेंथ। अब चलो बच्चों मुझे इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो क्या करूंगा, तो इसको लिखना पड़ेगा q = Δt/R वाले फॉर्म में, तो q यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा Δt यानी t1 - t2 / l तो है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे लगेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ l/k। अब इसको सोल्व करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा, तो ये q है, ये Δt है और ये R। तो बच्चों ये मिला थर्मल रेजिस्टेंस, अगर आपके पास प्लेन वॉल है तो उसका रेजिस्टेंस होता है l/k, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आई होप बच्चों आपको थियरी पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे। बाय।